we have achieved soft landing on the moon yeah. india is on yeah. the moon नमस्कार प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है चंद्रयान तीन के लैंडर मॉड्यूल के चंद्रमा की सतह पर उतरते ही भारत ने पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह के अज्ञात दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बनकर इतिहास रच दिया है हम आपको बता दें कि देश भर में चल रहे प्रार्थनाओं के दौर और दुनिया भर की नज़रें भारत की ओर लगी होने के बीच लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से युक्त लैंडर मॉड्यूल ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र के निकट सॉफ्ट लैंडिंग की इसी के साथ भारत अमेरिका चीन और पूर्व सोवियत संघ के बाद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश भी बन गया है हम आपको बता दें कि चंद्र सतह पर अमेरिका पूर्व सोवियत संघ और चीन सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं लेकिन उनकी सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र पर नहीं हुई थी हम आपको यह भी बता दें कि चंद्रयान तीन चंद्रयान दो के बाद का मिशन है और इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग को दिखाना चंद्रमा पर विचरण करना और यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोग करना है हम आपको याद दिला दें कि भारत ने 14 जुलाई को लॉन्च व्हीकल मार्क थ्री रॉकेट के जरिए 600 करोड़ रुपए की लागत वाले अपने तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान ती का प्रक्षेपण किया था इस अभियान के तहत यान ने 41 दिनों की अपनी यात्रा में चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग का सफल प्रयास किया हम आपको ये बता दें कि जहां एक और भारत का अभियान सफल रहा वहीं चंद्रयान तीन की निर्धारित सॉफ्ट लैंडिंग से कुछ ही दिन पहले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की दौड़ में

उसे सही मात्रा में ईंधन का उपयोग करना होता है और अंततः नीचे उतरने से पहले यह पता लगाना होता है कि किसी प्रकार की बाधा या पहाड़ी क्षेत्र या गड्ढा नहीं हो बहरहाल चंद्रयान तीन की कामयाबी के बाद इसरो के मुख्यालय सहित देश भर में जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है लोग तरह तरह से देश की इस बड़ी कामयाबी का जश्न मना रहे हैं जी हाँ आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल

The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. हम आपको यही बता दें कि चंद्रयान तीन ने 14 जुलाई को प्रक्षेपण के बाद 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था प्रणोदन और लैंडर मॉड्यूल को अलग करने की कवायद से पहले इसे 6, 9, 14 और 16 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में नीचे लाने की कवायद की गई ताकि यह चंद्रमा की सतह के नजदीक आ सके अब तेईस अगस्त को चांद पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई अब चंद्रयान तीन की लैंडिंग के बाद इसरो की चंद्रमा पर एक रोवर तैनात करने और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन करने की योजना है देखा जाए तो चंद्रयान तीन अभियान का सफल होना राष्ट्र के लिए गौरव की बात तो है ही साथ ही अब देश को कई आर्थिक लाभ मिलने का रास्ता भी साफ हो गया है चंद्रमा पर सफल लैंडिंग ने भारत की तकनीकी क्षमता को पूरी दुनिया के सामने बयां कर दिया है इसलिए चंद्रयान तीन की सफलता का भारत की अर्थव्यवस्था पर काफी सकारात्मक असर पड़ सकता है दरअसल उपग्रह से मिलने वाली तस्वीरों और नौ वाहन के वैश्विक आंकड़ों की बढ़ती मांग संबंधी रिपोर्टें दर्शाती हैं कि दुनिया पहले ही अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की तेजी से वृद्धि के दौर से गुजर रही है माना जा रहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2025 तक 13 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है जहां तक भारत के चंद्रयान अभियानों की बात है तो आपको बता दें कि भारत की चंद्रयान एक के साथ चंद्रमा पर पहुंचने की पहली कोशिश अपने लगभग हर उद्देश्य और वैज्ञानिक लक्ष्यों में कामयाब थी जिसमें पहली बार चांद की सतह पर पानी के सबूत मिले

चंद्रयान दो से सबक लेकर चंद्रयान तीन में कई सुधार किए गए थे लक्षित लैंडिंग क्षेत्र को चार दशमलव दो किलोमीटर लंबाई और दो दशमलव पांच किलोमीटर चौड़ाई तक बढ़ा दिया गया था चंद्रयान तीन में लेजर डॉप्लर वेलोसीमीटर के साथ चार इंजन भी थे जिसका मतलब है कि वह चंद्रमा पर उतरने के सभी चरणों में अपनी ऊंचाई और अभिविन्यास को नियंत्रित कर सकता है चंद्रयान तीन की कामयाबी ने यह भी दर्शाया है कि कैसे अंतरिक्ष अधिक सुलभ होता जा रहा है इस सफलता ने कठिन मिशन को हासिल करने में भारत की निरंतर दृढ़ता को भी दर्शाया है देखा जाए तो प्रत्येक सफल मिशन के साथ मानवता का चंद्रमा की सतह और उसके पर्यावरण के बारे में ज्ञान बढ़ता जा रहा है जिसका मतलब है कि चंद्रमा तक जाने और वहां ठहरने के जोखिम कम हो रहे हैं बहरहाल आइए एक नजर डालते हैं चंद्रयान तीन अभियान के तहत चांद तक पहुंचने के अब तक के सफरनामे पर चौदह जुलाई एल वी एम थ्री एम फोर व्हीकल के माध्यम से चंद्रयान तीन को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से सफलतापूर्वक कक्षा में पहुंचाया गया चंद्रयान तीन ने नियत कक्षा में अपनी यात्रा शुरू की 15 जुलाई आई एस टी आर ए सी इसरो बेंगलुरु से कक्षा बढ़ाने की पहली प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की गई यान इकतालीस किलोमीटर गुणा एक किलोमीटर कक्षा में है 17 जुलाई दूसरी कक्षा में प्रवेश की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया चंद्रयान तीन ने इकतालीस किलोमीटर गुणा दो किलोमीटर कक्षा में प्रवेश किया 22 जुलाई अन्य कक्षा में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हुई 25 जुलाई इसरो ने एक बार फिर एक कक्षा से अन्य कक्षा में जाने की प्रक्रिया पूरी की चंद्रयान तीन इकहत्तर किलोमीटर गुणा दो किलोमीटर की कक्षा में पहुंचा एक अगस्त इसरो ने ट्रांसलूनर इंजेक्शन यानी एक तरह का तेज धक्का को सफलतापूर्वक पूरा किया और अंतरिक्षयान को ट्रांसलूनर कक्षा में स्थापित किया पांच अगस्त चंद्रयान तीन की लूनर ऑर्बिट इंसर्जन यानी चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हुई एक किलोमीटर गुणा अट्ठारह किलोमीटर की कक्षा में यान पहुंचा छह अगस्त इसरो ने दूसरे लूनर फेज एलबीएन की प्रक्रिया पूरी की इसके साथ ही यान चंद्रमा के निकट 170 किलोमीटर गुणा तिरतालीस किलोमीटर की कक्षा में पहुंचा अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश के दौरान चंद्रयान तीन द्वारा लिया गया चंद्रमा का वीडियो जारी किया 9 अगस्त चंद्रमा के निकट पहुंचने की एक और प्रक्रिया के पूरा होने के बाद चंद्रयान तीन की कक्षा घटकर एक किलोमीटर गुणा चौदह किलोमीटर रह गई चौदह अगस्त चंद्रमा के निकट पहुंचने की एक और प्रक्रिया के पूरा होने के बाद चंद्रयान तीन कक्षा का चक्कर लगाने के चरण में पहुंचा यान एक सौ इक्यावन किलोमीटर गुणा एक सौ नवासी किलोमीटर की कक्षा में पहुंचा 16 अगस्त फायरिंग की एक और प्रक्रिया पूरी होने के बाद यान को एक सौ तिरपन किलोमीटर गुणा एक सौ तिरसठ किलोमीटर की कक्षा में पहुंचाया गया यान में एक रॉकेट होता है जिससे उपयुक्त समय आने पर यान को चंद्रमा के और करीब पहुंचाने के लिए विशेष फायरिंग की जाती है सत्रह अगस्त लैंडर मॉड्यूल को प्रणोदन मॉड्यूल में सफलतापूर्वक अलग किया गया 19 अगस्त इसरो ने अपनी कक्षा को घटाने के लिए लैंडर मॉड्यूल की डिबूस्टिंग की प्रक्रिया की लैंडर मॉड्यूल अब चंद्रमा के निकट 113 किलोमीटर गुणा एक किलोमीटर की कक्षा में पहुंचा 20 अगस्त लैंडर मॉड्यूल पर एक और डिबूस्टिंग यानी कक्षा घटाने की प्रक्रिया पूरी की गई लैंडर मॉड्यूल पच्चीस किलोमीटर गुणा एक किलोमीटर की कक्षा में पहुंचा 21 अगस्त चंद्रयान 2 ऑर्बिटर से औपचारिक रूप से चंद्रयान 3 लैंडर मॉड्यूल का वेलकम बड़ी यानी स्वागत दोस्त कहकर स्वागत किया गया दोनों के बीच दो कमांड नेटवर्क में स्थित मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स को अब लैंडर मॉड्यूल से संपर्क के और तरीके भी मिले 22 अगस्त इसरो ने चंद्रयान थ्री के लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा से करीब 70 किलोमीटर की ऊंचाई से ली गई चंद्रमा की तस्वीरें जारी की सिस्टम की नियमित जांच की जा रही है चंद्रमा के निकट पहुंचने की प्रक्रिया सहजता से जारी रही तेईस अगस्त शाम छह बजकर चार मिनट पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान तीन के लैंडर मॉड्यूल ने सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कर नया इतिहास रच दिया अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेलाइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुँच सके